नवेगांव थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनी में कृषि विभाग द्वारा दो कीटनाशक व उर्वरकों की दुकानों के संचालकों को अवैध रूप से कीटनाशक दवाओं का संधारण भंडारण करने को लेकर दस्तावेज मांगे जाने पर पेश नहीं करने पर कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि जब हमने दूरभाष पर कृषि विभाग के उप संचालक राजेश कुमार खोबरागड़े से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वह बीज निरीक्षक सुनील कुमार बागड़े के द्वारा औचक निरीक्षण करने के दौरान ग्राम बमनी के मेसर सतनाम कृषि केंद्र बमनी का निरीक्षण किया गया, जिसमें सतनाम कृषि केंद्र के संचालक थमनदास पटले के द्वारा अपनी दुकान के पीछे वाले गोदाम में बीज उर्वरक एवं कीटनाशक दवा का भंडारण करना पाया गया। उक्त कृषि आदान सामग्री के क्रय विक्रय एवं भंडारण से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर संचालक थमनदास पटले द्वारा बीज विक्रय के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की गई, किंतु वैधानिक स्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के क्रय विक्रय एवं भंडारण के संबंधित किसी भी प्रकार के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनका संदिग्ध होना पाया गया, जिसे तत्काल में विक्रय प्रतिबंधित किया गया। सतनाम कृषि केंद्र बमनी के पास वैधानिक उर्वरक व कीटनाशक अनुज्ञप्ति भी नहीं पाई गई है, जिससे सिद्ध होता है कि थमनदास पटले द्वारा जिले के किसानों के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है, जिससे आईपीसी की धारा 420 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 17 एवं कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 13 ब्रैकेट 1 धारा 10 ब्रैकेट 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आदेश अनुसार कक्षा चौथी से कक्षा आठवीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 दिसंबर से प्रारंभ की गई, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा प्रथम भाषा का पेपर हल किया गया जिसको लेकर जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी के द्वारा विकासखंड स्तर पर समस्त 173 परीक्षा केंद्रों का निर्माण कर पेपर लिया गया था, जिसमें 7084 परीक्षार्थियों में 99% परीक्षार्थियों के प्रथम भाषा का पेपर उनके द्वारा हल किया गया। यह परीक्षा समय पर प्रारंभ हुई, जो दो पाली में आयोजित की गई, जिसमें प्राथमिक शाला की कक्षा चौथी से कक्षा पांचवी की सुबह परीक्षा हुई और कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न हुई। इस दौरान प्रत्येक केंद्र में शांतिपूर्वक परीक्षा का संचालन किया गया। वहीं प्रत्येक परीक्षा केंद्र में विकासखंड स्तर पर उड़न दस्ते द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। कक्षा चौथी से कक्षा आठवीं के लिए वारासिवनी विकासखंड स्तर पर 173 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी सत्येंद्र शरणागत ने बताया कि कक्षा चौथी से कक्षा आठवीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 दिसंबर से प्रारंभ की गई है, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम विषय के रूप में प्रथम भाषा का पेपर हल किया गया। इसमें हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों ने विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों ने विशिष्ट अंग्रेजी का पेपर हल किया। नगर के बूढ़ी क्षेत्र में 3 छात्राएं सहित कुल 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनकी तबीयत खराब होने पर सभी को नगर के अलग अलग 3 निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती किया गया है, जिनमें से 2 का आईसीयू में उपचार जारी है। फिलहाल सभी की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई छात्राएं बूढ़ी में किसी के मकान पर किराए के कमरे में रहती है, जबकि एक छात्रा के पिता सहित उनके पड़ोसी ने मोहल्ले की दुकान से हरी पालक खरीद कर लाए थे, जहां पालक की सब्जी के सेवन करने के बाद सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया और उल्टी दस्त की समस्या होने पर सभी को रात्रि में उपचार के लिए नगर के अलग अलग 3 निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। बीती रात फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोगों में मूलतः बिरसा हाल मुकाम बूढ़ी निवासी 19 वर्षीय तुलसी पिता लोकचंद मरकाम, लामता चरेगांव निवासी 19 वर्षीय वर्षा पिता श्री टेकाम, लांजी निवासी निकिता कामड़े, छात्रा वर्षा के 45 वर्षीय होमगार्ड पिता श्री टेकाम और छात्राओं के पड़ोसी बूढ़ी निवासी 42 वर्षीय श्रीकांत पिता
चरणबाही के नाम का समावेश है, जिनका नगर के अलग अलग तीन निजी अस्पतालों में उपचार जारी है, जिसमें दो लोगों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, तो वहीं सभी की हालत खतरे के बाहर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरसा निवासी तुलसी मरकाम, चरेगांव निवासी वर्षा टेकाम और लांजी निवासी निकिता कामड़े नगर के एक कॉलेज की छात्राएं हैं, जो नगर के बूढ़ी क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती है। जबकि इन छात्राओं में से छात्रा वर्षा के पिता श्री टेकाम नगर के होमगार्ड के पद पर पदस्थ हैं, तो वहीं छात्राओं के किराए के मकान के बाजू में श्रीकांत बाहे का मकान है। बताया जा रहा है कि इन छात्राओं ने मोहल्ले की एक दुकान से हरी पालक खरीद कर लाई थी, जिसे पकाने के बाद तीनों छात्राओं ने पालक की सब्जी खाई थी। वहीं छात्रा वर्षा के पिता होमगार्ड श्री टेकाम ने छात्राओं के साथ भोजन किया था। वहीं पड़ोसी श्रीकांत ने भी कहीं से पालक लाकर उसका सेवन किया था। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद एक एक कर सबकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। सभी को एक से डेढ़ घंटे के बीच उल्टी और दस्त होने लगे, जहां तबीयत खराब होने पर उन्हें नगर के अलग अलग तीन निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पांच लोगों की एक साथ तबीयत कैसे खराब हो गई और सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार कैसे हो गए, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन दुकान से खरीद कर लाई गई पालक में कीटनाशक का असर रहने का कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान ने अपने खेत में लगी पालक सहित अन्य हरी सब्जी फसलों में कीटनाशक दवा या फर्टिलाइजर का उपयोग किया होगा, जिसके 24 से 48 घंटे के भीतर उसने हरी पालक को काट कर बाजार में बिक्री के लिए भेजा होगा, जहां उस पालक को खरीद कर छात्राओं ने या तो उसे अच्छी तरह से नहीं धोया होगा या फिर उस पालक में कीटनाशक दवा का असर रह गया होगा, जिसके चलते सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया और सभी लोग बीमार हो गए। अच्छा, ये जो आपके साथ वाली छात्रा है ये अलग रहती हैं आपके साथ रहती हैं? नहीं, साथ में रहते हैं। क्या क्या नाम है सबका? क्या हुआ रात में, कल क्या घटना हुई? दीदी लोग के साथ ही साथ में खाना बनाए और खाए, मुझे नहीं पता, मतलब मैं उसके की रूम में थी। आपने क्या बनाए थे? भाजी की सब्जी और ये चना सब्जी बनाए। अच्छा, तो आपने खाना खाए? नहीं। अच्छा, आपने नहीं खाए, बाकी सब ने खाए थे? बाकी सब खाए, जो जो खाए थे वो बुरे बीमार, सब बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो आपने नहीं खाए, आपको कुछ हुआ? नहीं हुआ। बच्चों को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है और लगभग 3-4 बच्चे थे जिनको एडमिट करना पड़ा, उसमें साथ में एक और बड़े और साथी भी हैं जो पुलिस में, उनको भी एडमिट करना पड़ा। ऐसे टोटल लगभग 5 लोग टोटल एडमिट हुए। तो जब उसको गहन जानकारी ली, हम लोगों ने पता किया, तो पता चला कि उन्होंने कहीं से सब्जी वब्जी लेके साथ उन्होंने लिया था और उसके बाद एक कमरे में बना के खाया उन्होंने। तो जितने लोगों ने उसमें खाना खाया लगभग 4 लोग, 4 के 4 वहीं पर बीमार पड़ गए और तत्काल तो असर नहीं हुआ, लगभग आधा घंटे बाद से इनको लक्षण देखने को मिल गए। और परिणाम था उनको सबसे पहले तो धुर्वे हॉस्पिटल यहाँ पे, डॉक्टर पुष्पा धुर्वे वहाँ पे, उनकी निगरानी में 2 बच्चों को एडमिट किया गया, वो भी काफ़ी सीरियस स्थिति में थे, अभी काफ़ी कंट्रोल है। और यहाँ पे एक बच्ची और एक आदमी यहाँ पे 2 लोग यहाँ भी एडमिट हुए हैं बालाघाट हॉस्पिटल में। तो ये लोग अभी लगभग स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में, हालांकि रात में काफ़ी स्थिति उनकी गंभीर थी। एक और पुलिसकर्मी हमारे जो क्या नाम है टेकाम जी, वो विचक्षण जैन हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी भी तबीयत काफ़ी हद तक रात में खाने के बाद से लगभग आधे घंटे बाद से खराब हो गई थी, अभी स्थिति कंट्रोल में है। सुनी नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में उपचार करने के लिए पहुंचने वाले मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण कई मरीजों को वापस अपने घर लौटना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ मरीजों को डॉक्टरों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नगरवासियों में रोष व्याप्त है। ऐसा ही एक मामला 20 दिसंबर की सुबह सामने आया, जब नगर के वार्ड नंबर 2 के पार्षद स्वयं शासकीय सिविल अस्पताल अपनी नातन का उपचार करने पहुंचे, तो डॉक्टरों की कुर्सी पूरी तरह से खाली थी और कुछ स्टाफ धूप सेकने में व्यस्त थे, जिनके द्वारा करीब 1 घंटे का इंतजार करने के बाद उपचार लिया गया, जिस पर उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। वहीं इस दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपचार करने पहुंचे लोगों को भी इंतजार कर सामना करना पड़ा, जो काफ़ी आक्रोशित नजर आए,
जिस पर सभी के द्वारा समय पर डॉक्टर उपस्थित होकर उपचार देने एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं सुधारने की मांग की गई। यहां यह बताना बिल्कुल लाजमी है कि शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी के ओपीडी भवन पर बोर्ड चस्पा किया गया है, जिस पर अस्पताल खुलने का समय सुबह 9 बजे से 2 बजे तक है और शाम 5 बजे से 6 बजे तक स्पष्ट लिखा हुआ है, परंतु 10 या 10:30 के बाद ही कोई डॉक्टर उपचार के लिए अपनी कुर्सी पर उपस्थित हो पाता है। ऐसे में सुबह से उपचार करने के लिए पहुंचे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें डॉक्टरों का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, तो वहीं निर्धारित समय के पहले ही डॉक्टरों द्वारा कुर्सी खाली कर दी जाती है, जिसको लेकर उपचार करने पहुंचे लोगों के द्वारा समय पर डॉक्टर के उपस्थित होकर निर्धारित समय तक आने वाले मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। समस्या है कि आज मैं अपने नातन को लेके हॉस्पिटल गया था, करीबन 9:45 था उस समय। ओपीडी में गया, पर्ची बनाया, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं थे। और नातन को चेकअप करवाना था, तो बच्चों का बाल रोग विशेषज्ञ जो है चौधरी साहब, वो भी नहीं थे। फिर उसके बाद कम से कम 10:30 से 11:30 डॉक्टर जोड़े साहब आए, वो तो कुछ देर बाहर धूप में रहे और खंडेलवाल जी थे वहाँ। तो मेरा इलाज वो जोड़े साहब से चलता है, मैं बीपी और शुगर का मरीज हूँ मैं, और नातन को सर्दी खांसी पेट दर्द की शिकायत थी। तो मैंने चाहा कि वो चौधरी साहब से चेकअप करा लें। 11:45 चौधरी साहब आए, उनसे चेकअप करवाया, तो मेरे को क्या है कि 1 घंटा वेट करना पड़ा। ऐसे मेरे जैसे कई मरीज आते हैं। कहती कि मैं धार्मिक जी के साथ हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में मैंने देखा हम आधा 1.5 घंटा खड़े रहे, 9:30-10 बजे तक, तो कोई डॉक्टर बैठने को तैयार नहीं था हॉस्पिटल में अपनी चेयर पे। ऐसे हाँ, तो करीब करीब 10:30-11:30 बजे डॉक्टर साहब आए, तब जाकर के चेकअप चालू हुआ। अब ऐसे में बहुत सारे लोग वहाँ पर मतलब वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब के बैठने का, और बहुत से लोग कैसे हैं कि रोज मजदूरी करने जाने वाले, कमाने वाले, खाने वाले। मैं भी फेरी का काम करता हूँ, मेरे को भी कुछ चेक कराना था पर नहीं करवा पाया समय की वजह से। मतलब ओपीडी खुलने का समय सुबह 9 बजे से लिखा हुआ है, मगर पेशेंट परेशान हो रहे, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, क्या है? डॉक्टरों की वैसे हमारे यहाँ कमी नहीं है, बट कुछ डॉक्टर छुट्टी पे है, जैसे रामपाली का डॉक्टर छुट्टी पे है, तो यहाँ से डॉक्टर विक्रम शरणागत की ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। और थोड़ा बहुत होता है इधर से, ओपीडी समय पे इसलिए नहीं आते कि इंडोर भी देखना पड़ता है, फिर नाइट ड्यूटी करने के बाद में एकाएक मतलब नहीं आ पाते थोड़ा सा, बाकी आ जाते करीब करीब मतलब 9:30 बजे तक के तो आ ही जाते सर। जैसे महोदय आज का लालबर्रा नगर मुख्यालय के बाजार क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद भी प्रशासन की लापरवाही के चलते खुले में मांस मछलियां बेची जा रही है, जबकि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रथम कैबिनेट की बैठक में खुले में बिना अनुमति के मांस मछली बेचने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे और धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंधित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए थे और तेज आवाज बजाने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन लालबर्रा क्षेत्र में यह सब खुलेआम देखा जा रहा है। इस तरह प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि आदेश जारी होने के पश्चात प्रशासन को खुले में बिक रहे मांस मछली बेचने वालों को हिदायत देकर उन्हें शासन के द्वारा आदेशों का पालन करवाना था। यदि उनके द्वारा शासन के आदेशों का पालन नहीं किया जाता तो उन पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन न ही प्रशासन द्वारा मांस मछली बेचने वालों को हिदायत दी गई और न ही इस आदेश का प्रचार प्रसार किया गया, जिसके कारण मुख्यमंत्री के आदेश जारी होने के बाद भी नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में खुले में मांस मछली विक्रय का क्रम जारी है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश का कहीं भी किसी तरह से पालन नहीं हो रहा है
और मांस मछलियां विक्रय करने वाले बिना अनुमति लिए बेखौफ होकर विक्रय कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शपथ ग्रहण के पश्चात अनेक आदेश जारी किए गए थे, जिनमें यह एक आदेश भी था कि पूरे प्रदेश में बिना अनुमति के खुले में मांस मछलियों की बिक्री बंद रहेगी, जिसके लिए उनके द्वारा प्रदेश स्तर पर भी आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन लालबर्रा प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण नगर मुख्यालय के पुराने मटन मार्केट व ग्रामीण अंचलों में बिना अनुमति के मांस मछलियों को खुले में बेचा जा रहा है, जबकि प्रशासन के इस आदेश को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे खुले में मांस मछली की बिक्री बंद हो और जो गंदगी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय ने बताया कि शासन के नियम खुले में बिना अनुमति लिए जो मांस मछली बेच रहे हैं उन पर कार्यवाही करने एवं मंदिर मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसका परिपालन में गत दिवस थाने में बैठक को लेकर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र न बजाने के निर्देश दिए गए थे और शासन के आदेश का पालन करते हुए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि खुले में बिना अनुमति लिए मांस मछली का विक्रय ना करें, उसके बावजूद भी विक्रय कर रहे हैं तो टीम गठित कर उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे मछली मार्केट लगता है पहले से, अगर वो इतना बदबू करता है कि यहाँ पे कोई साफ सफाई में ध्यान नहीं देता, तो शासन से यही हमारी उम्मीद है कि इसको साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए। और बाकी क्या है, हमारे यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को बदबू से, और हम दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, हमको भी बदबू लगती है और उसके कारण में हमको बीमारी का डर रहता है। तो भैया कम से कम अभी जब से जो पानी आए हैं, अभी इसके पहले 15 दिन पहले जो पानी आया है, इससे जो वहाँ जो मार्केट में जो गंदगी है, सब्जी वाले ने जो है पूरा वहाँ गंदगी मचा के रखे हैं और उसका जो है सड़ गया है पूरा, उसका जो मटेरियल है वो बहुत बास कर रहा है। कब से समस्या बनी? 15 दिन शासन प्रशासन से कोई आदेश तो हमको आया नहीं है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान यादव जी ने जो पहल की है बहुत अच्छी पहल है, इससे गांव शहर सब साफ सुथरा हो जाएगा। जो खुले में मांस मटन बेचते हैं तो वहाँ पर गंदगी बहुत फैल जाती है, और इस आदेश का पालन करना भी चाहिए लोगों को, और हमारे पास जैसी आदेश आएगा हम इनको निर्देश करेंगे। हाँ, जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ कुछ मछली वाले जो है बीज मार्केट में मछली की दुकान लगाते हैं सब्जी वालों के साथ में, और मछलियों को आखिरी में जब उसका जो वेस्ट रहता है पोटा वगैरह वो उसको वहाँ फेंक देते हैं, उससे गंदगी हो रही की जानकारी प्राप्त है। चूँकि वो जो है जनपद पंचायत क्षेत्र के अधीनस्थ वाली दुकानें हैं वो, जहाँ की बात आई है, लेकिन अभी वर्तमान समय में शासन ने वैसे ही खुले में मछली मटन अंडा इस पर प्रतिबंध लगा लिया। अब ये जो लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं अवैध रूप से, इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, और मैं आज ही जो है शासन प्रशासन को और पुलिस विभाग को इस हेतु पत्र लिखूंगा कि एक और शासन प्रशासन द्वारा वर्षों से सरकारी भूमि पर निवास करने वाले लोगों को पट्टा देकर प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय सहित समस्त तहसीलों में ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अब भी कोई निवास करने वाले लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उन्हें शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो पट्टे की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में वारासिवनी वार्ड नंबर 1 सविता टॉकीज के पीछे निवास करने वाले नागरिकों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंप कर आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। स्थानीय महिलाओं द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से शासकीय भूमि पर झोपड़े बनाकर निवास कर रहे हैं, कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी उन्हें शासन द्वारा आवासीय पट्टा जारी नहीं किया गया है, जहां पट्टे नहीं मिलने से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जल्द आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। सुनवाई में आए हैं और कलेक्टर से हमको आज से 10 साल हो गया है कि पट्टा नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कहाँ पर रह रहे हो अभी? वार्ड नंबर 1 में रह रहे हैं। झोपड़ी बना कर रहे हो, तो पीएम आवास वगैरह का भी लाभ नहीं मिल पाया? नहीं, 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 कुछ नहीं। कितने सालों से आप लोग? 2013 से बैठे हुए हैं, वहाँ पर कुछ नहीं मिला है, ना पट्टा मिला ना 2.5 लाख का लाभ मिला है। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? और हमारे कम से कम 25-30 घर के हैं, लेकिन किसी को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हमारी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन हमको कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये तो बताओ, एडीएम साहब के पास मतलब गए होंगे? एडीएम साहब के पास गए थे, उनने बोले कि नहीं हो जाएगा भाई आपका काम, लेकिन हमारे जा जा के हो रहे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चिखला में एक व्यक्ति को उसी के मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ हाथ बुक्को और सब्बल से मारकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राधेश्याम अपने परिवार के साथ खेती किसानी और मजदूरी करता है, जिसके मोहल्ले में ही घनश्याम खालगो ने अपने परिवार के साथ रहता है। सोमवार को दोपहर में राधेश्याम अपने खेत से घर जा रहा था। जाते समय रास्ते में घनश्याम अपने भाई स्वरूपलाल के साथ घर में बैठ गया था। इस पर घनश्याम अचानक आया और राधेश्याम को गालियां देने लगा। राधेश्याम ने उसे गाली देने से मना किया, तब घनश्याम और राधेश्याम के बीच हाथापाई होने लगी। इसी बीच घनश्याम का लड़का प्रिंस सब्बल लेकर आया और राधेश्याम के बाएं हाथ में सब्बल से वार कर दिया, जिसके बाद दोनों घनश्याम और उसके लड़के प्रिंस ने राधेश्याम को हाथ बुक्कस से जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने के बाद 100 डायल से घायल राधेश्याम को रामपाली अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक महेंद्र मर्सकोले ने घायल राधेश्याम का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना रामपाली भिजवा दी गई है। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर नगर पालिका व जिला प्रशासन की टीम द्वारा 20 दिसंबर को अतिक्रमण की कार्यवाही की गई, जिसमें सरेखा रेलवे फाटक के बाजू में लगने वाली लगभग 12 दुकानों को जिला प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए हटाया गया है, जिसमें कुछ कांग्रेसी पार्षद व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि आज जिला प्रशासन कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे का फोन नहीं उठा रहे हैं। वहीं एसडीएम राहुल नायक द्वारा कहा गया कि विधायक महोदया से उनकी बात हो चुकी है। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे पर ओवरब्रिज GJ36 का निर्माण कार्य चल रहा है एवं सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास लगने वाली दुकानों को हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा इसके पूर्व भी 2 से 3 बार नोटिस दिया गया था, किंतु सरेखा रेलवे फाटक के बाजू में लगने वाली दुकानों के संचालकों द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी अपनी दुकानें नहीं हटाई जा रही थी, जबकि रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पास लगी दुकानों को हटाना अति आवश्यक था, और जब नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानें नहीं हटाई गई, उसके बाद उन्हें एक दिन पहले भी सूचित कर दिया गया था कि यदि वह अपनी दुकान नहीं हटाते हैं तो नगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद 20 दिसंबर को नगर पालिका व जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पहुंच गया और अतिक्रमण करने की कार्यवाही करने के लिए जब प्रशासन द्वारा दुकानदारों को कहा गया तो दुकानदारों द्वारा स्वतः ही अपनी दुकानों को हटाने की बात कही गई। वहीं कुछ कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेसी जनप्रतिनिधि वहां पहुंच गए और वहां कुछ समय की मोहलत मांगने लगे, और जिला प्रशासन के अधिकारियों को जब उन्होंने फोन लगाया तो न तो कलेक्टर द्वारा फोन रिसीव किया गया, बल्कि कांग्रेसी पार्षद द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि गिरीश कुमार मिश्रा ने फोन बंद कर रखे हैं। वहीं नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया ने भी उनका फोन नहीं उठाया। उन्होंने जिला प्रशासन पर गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन के अधिकारी किसी को सुनी नहीं रहे, निश्चित तौर पर
शहर विकास के लिए किसी भी व्यवस्था बनाना ठीक है, लेकिन अननेसेसरी दबाव बनाकर इस तरीके से जेसीबी खड़ा करके पूरा पुलिस प्रशासन आगे खड़ा हो गया, दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए यह जो करना था, हम कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर साहब से बार बार फोन कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। सीएमओ मैडम को 4 बार फोन लगाया, वो उठाने का तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के पार्षद है, हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर है, और यहाँ पर सरेखा में कार्रवाई जो हो रही है, मेरा ये मानना है कि कुल मिलाकर शासन और प्रशासन एक हिसाब से गुंडागर्दी कर रहा है। अगर आपने अल्टीमेटम दिया भी है, 24 घंटे के अल्टीमेटम में आप खाली करने की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, 3 साल पहले अतिक्रमण कर इनको अतिक्रमण घोषित करके नगर दिया और उनको यहाँ पर स्थापित किया था 3 साल पहले, 2019-20 की बात है, हमारी सरकार थी उस समय। व्यवस्था बनाने के बाद फिर अचानक से आप चीजें हो जाते हैं। आज सरेखा नाके पे, चूंकि पता है सभी को कि GJ-36 अंडरपास और ओवर फ्लाईओवर का काम प्रचलित है, उस कार्रवाई के अंतर्गत ही ये चिन्हित किए गए थे कि यहाँ पे अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण है, उनको विधिवत नोटिस दिया जाकर और शामिल किया जाकर आज ये थाने की कार्रवाई स्वतः ही कर रहे हैं। स्वतः ही जो दुकान के मालिक हैं, स्वतः ही अपना सामान ले जा रहे हैं। बिंदु में मेरे दो बातें हैं। एक तो स्वयं मेरी विधायक मैडम से बात हो चुकी है, नगर पालिका अधिकारी की बात हो चुकी है, उन्होंने अवगत करा दिया गया है कि 3 बार पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है, फरवरी माह में, मार्च माह में, और एक अंतिम अवसर दिसंबर माह में संबंधित को दिया जा चुका है, जिसकी विधिवत तामीली भी है। शहर में इन दिनों चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की बात करें तो अभी बीते 2 से 3 दिन पहले ही एक ही रात में लगभग 5 प्रतिष्ठानों के ताले अज्ञात चोरों के द्वारा तोड़े गए थे। अभी पुनः 2 चोरियों के नए मामले सामने आए हैं। शहर के भटेरा चौकी स्थित शासकीय हाई स्कूल के परिसर में लगने वाली आंगनबाड़ी व शासकीय माध्यमिक स्कूल के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन के कक्ष से अज्ञात चोरों के द्वारा 7 कट्टी चावल चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं 19 दिसंबर के रात्रि शहर के ही वार्ड नंबर 11 निवासी के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी करने की नियत से घर में प्रवेश कर लिया था, किंतु घर में आहट पाकर वह भाग गए, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। जबकि बहुत से चोरियों के मामले में CCTV कैमरे में अज्ञात चोर कैद तो होते जा रहे हैं, किंतु पुलिस के हाथ अज्ञात चोर लग नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, चोरी का ग्राफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही नगर में एक ही रात में मंदिर सहित 4 से 5 प्रतिष्ठानों का एक साथ अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़ा गया था। वहीं अभी 2 से 3 दिन ही बीते थे कि पुनः 2 चोरियों की वारदात शहर में हो गई, किंतु पुलिस है कि शहर में बढ़ती चोरियों को रोक नहीं पा रही है, जबकि यह चोरियां शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर हुई है, जिसमें चोरी का पहला मामला वार्ड नंबर 11 का है, जहां पर वार्ड नंबर 11 निवासी के घर में 19 दिसंबर की रात लगभग 4 बजे अज्ञात चोरों ने चोरी करने की नीयत से घर में प्रवेश कर लिया था, किंतु जैसे ही घर में कुछ हलचल हुई वह सतर्क हो गए और घर में आहट पाते ही वह घर से बिना चोरी की घटना को अंजाम दिए तत्काल निकल गए, किंतु वह घर के ही CCTV कैमरे में कैद हो गए। वहीं परिजनों ने बताया कि वह सुबह 4 बजे घूमने के लिए उठ जाते हैं और जैसे ही वह 4 बजे उठे तो आहट पाने के बाद उन्हें घर में कुछ हलचल सी महसूस हुई, तब उन्हें लगा कि कोई अज्ञात चोर घर में घुसा होगा और उन्होंने जैसे ही CCTV कैमरा चेक किया तो उन्हें कोई अज्ञात व्यक्ति के घर में घुसने के बाद निकलता हुआ दिखाई दिया, जो कि उनके CCTV कैमरे में कैद हो गया। उन्होंने इसकी जानकारी कोतवाली थाने में दे दी है। वहीं दूसरा मामला भटेरा चौकी स्थित शासकीय हाई स्कूल का है, जहां पर शासकीय हाई स्कूल भटेरा चौकी के प्रिंसिपल मनोज जैन द्वारा अनौपचारिक चर्चा में बताया गया कि भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 में बालाघाट हॉस्पिटल के सामने भटेरा मेन रोड पर शासकीय हाई स्कूल और आंगनवाड़ी एवं शासकीय माध्यमिक स्कूल एक ही परिसर में लगते हैं एवं शासकीय माध्यमिक स्कूल में बनने वाले मध्याह्न भोजन का खाना परिसर में ही कक्ष पर बनता है एवं इस कक्ष में मध्याह्न भोजन के लिए आने वाला चावल भी रहता है, जिसकी बीती रात स्कूल की बाउंड्री वॉल की दीवार पर लगी फेंसिंग तार को काटकर अज्ञात चोरों के द्वारा चावल की 7 बोरियों की चोरी कर ली गई,
जिसकी जानकारी उन्होंने कोतवाली पुलिस को दे दी है। जबकि स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, किंतु चोरों द्वारा सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी की बढ़ती वारदात को लेकर जब पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा सीएसपी अंजुल अयंग मिश्रा से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में कुछ चोरियों की वारदात हुई है और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। रात्रि के समय रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही पुराने क्रिमिनल और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोरों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और शिनाख्त की जा रही है। जल्द ही पुलिस चोरी की घटना का खुलासा करेगी।